हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने व्हाट इज यूटिलिटी पढ़ा, उसके अलावा हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। आज के इस क्वेश्चन में हम जानने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को देख लेते हैं। दोस्तों, नाम से ही ये कहती है, टोटल यूटिलिटी यानी एडिशन यानी सम यानी एग्रीगेट। जी हाँ दोस्तों, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, यानी जितनी भी यूनिट्स उसने कंज्यूम की है, अपने प्रोडक्ट की, अपने यूनिट्स जितने भी उसने कमोडिटी के कंज्यूम किए, उन सब का टोटल जब करेंगे तो मिलेगी टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, पहला ग्लास कुछ यूटिलिटी मिली, दूसरे ग्लास में कुछ और यूटिलिटी मिली, तीसरे ग्लास में कुछ और यूटिलिटी मिली, इन सभी ग्लासेस की यूटिलिटी को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी टोटल यूटिलिटी। बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जी हाँ दोस्तों, याद रखना और समझना दोनों ही आसान है, सिर्फ इतना समझ लीजिए, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल है, जब भी हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, हर यूनिट में हमें यूटिलिटी मिलती है, जो हमारा लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन है उस पे जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिली है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, द फर्स्ट ग्लास ही गेट्स 10 यूटिलिटी, उसके बाद जब वो दूसरा ग्लास कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है 5। दोस्तों, 10 प्लस 5 इज 15, ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी है सेकेंड ग्लास की यूटिलिटी, दैट इज 5। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ एडिशनल पे एडिशनल है, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा है। वंस अगेन आई विल रिपीट, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, यानी ये एडिशन है, ये टोटल है। साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। होपफुली दोस्तों, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझ में आए होंगे। चलिए इन्हें कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं और देखते हैं कि इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है। दोस्तों, ये शेड्यूल, ये जो टेबल आपके सामने है, ये रिलेशनशिप को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन कॉलम्स हैं, एक है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, देन टोटल यूटिलिटी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी। इन तीनों ही कॉलम्स में कुछ नंबर्स के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की गई है कि यूटिलिटी का बिहेवियर कैसा है और वो क्या आपस में रिलेशन रखते हैं। दोस्तों, एक आम ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा डिमिनिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स जो है नंबर 1, उसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, सेकंड के सामने 8, फिर 6, फिर 4, 2, 0 और -2। इसका एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती है, गिरती है, डिमिनिश होती है। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें टोटल यूटिलिटी को, तो फर्स्ट यूनिट पर टोटल यूटिलिटी है 10, सेकंड पर 18, थर्ड पे 24, ये बढ़ते जा रही है। दोस्तों, ये दो खास ऑब्जर्वेशन है, अभी हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियली TU एंड MU आर सेम और इक्वल, TU इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड MU डिमिनिशेस एट अ सर्टेन पॉइंट, TU इज हाईएस्ट एंड MU बिकम्स 0। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कमोडिटी 6, जब 6th यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो TU है यानी टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया है 30 पर, और एग्जैक्टली उसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी अब हो चुकी है 0। और आखिर में आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन
MU becomes negative and TU starts diminishing. मतलब अगर maximum satisfaction हासिल कर लेने के बाद भी हम commodity को consume करते हैं तो marginal utility diminish हो जाएगी, यानी negative हो जाएगी पूरी तरह से, और total utility अब diminish होना शुरू करेगी. इसको एक आसान से example के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा भीम जो बहुत ही भूखा है. अब जब भीम को भूख लगती है तो वो खाता है बहुत सारे लड्डू. अब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है यहाँ पर लड्डू. जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है लड्डू तो उसे टोटल यूटिलिटी मिलती है 10 और मार्जिनल यूटिलिटी 10. जब वो दूसरा लड्डू कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी मिलती है 8. 10 प्लस 8 इज 18, जो आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी में. अब मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों हुई? तो दोस्तों, जब हम एक ही कमोडिटी बार बार कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है. सेम विद दिस एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे एक पॉइंट पर हमारा पेट भर जाएगा. और आप देख सकते हैं कि लगातार लड्डू खाने के बाद जो है यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है और अब हमारा पेट भर चुका है तो हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है. दैट इज ऑन द सिक्स्थ यूनिट ऑफ लड्डू द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो. जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी अगर भीम मानता नहीं है और लड्डू खाते रहता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. दैट इज पेट खराब हो जाएगा और डिससैटिस्फैक्शन डिसयूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी. इसके बाद आपको टोटल यूटिलिटी में भी गिरावट देखने मिलेगी. दोस्तों, अगर ये आंसर आपको एग्जाम में लिखना है तो 4 से 5 पॉइंट्स में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और बाय हार्ट करना भी काफ़ी ईजी है. दोस्तों, देर आर अ फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. अगर वो आप याद रख लें तो यू कैन ईजिली रिमेंबर द आंसर रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, याद रखिए TU एंड MU इनिशियली बोथ आर सेम 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 सेम. उसके बाद TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस. उसके बाद TU इज हाइएस्ट, MU इज लोएस्ट, दैट इज जीरो. एंड देन TU becomes positive, that is declining, and MU becomes negative. याद रखने के लिए same same, increase decrease, highest lowest, positive negative. Once again I'll repeat, TU and MU का relation काफी easy, only in 4 points. Same same, increase decrease, highest lowest, positive negative. Once again I'll repeat, TU and MU का relation. Same same, increase decrease, highest lowest, positive negative. Hopefully ये आपको आसानी से लिखने में मदद करेगा. दोस्तों, इसके साथ ही आपको डायग्राम के फॉर्म में भी इसे प्रेजेंट करने आना चाहिए और उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा शेड्यूल. दोस्तों, आप अगर शेड्यूल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए गए हैं, यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. बस आपको इसी को प्लॉट कर देना है. सबसे पहले पेंसिल और स्केल लेकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए एंड देन यू स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स एज पर योर शेड्यूल. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही टेक्सटबुक का दिया हुआ शेड्यूल बाय हार्ट करें, आप अपने नंबर्स भी डाल सकते हैं. सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, सेम सेम, इंक्रीज डिक्रीज, हाईएस्ट लोएस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव. अगर ये आप याद रखेंगे तो आप अपने नंबर्स डाल के भी शेड्यूल आसानी से बना सकते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में प्लॉटिंग किस प्रकार की गई है. जो फर्स्ट यूनिट है वो शुरू होती है 10 से, तो आप देख सकते हैं कि 8 और 12 के बीच में एक पॉइंट प्लॉट किया गया है, वो है हमारा 10. इसके बाद एक लाइन जा रही है ऊपर की ओर, ये है हमारी TU कर्व यानी टोटल यूटिलिटी, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है. और दूसरी जो कर्व है वो नीचे की तरफ जा रही है, वो है हमारी MU कर्व यानी मार्जिनल यूटिलिटी, जो शुरुआत से ही डिमिनिश हो रही है. दोस्तों, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा TU कर्व टॉप पर पहुंच जाता है, वो है हमारा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ सैटिएटी. अब ये पॉइंट ऐसा है जहां पर हमने मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है. सिमिलरली अगर आप नीचे देखें तो इसी पॉइंट पर हमारा MU कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है, दिस इज द पॉइंट where it becomes zero. And उसके बाद भी अगर हम consumption करते हैं तो TU और diminish होने लगता है, नीचे आने लगता है, और MU जो है वो negative में चला जाता है. तो इस प्रकार ये 4 points से आप easily ये answer याद रख सकते हैं. Same same, increases decreases, highest lowest, positive negative. Thank you very much for watching this video. Do like, share and subscribe.